बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं अपने YouTube चैनल एवरीडे साइकोलॉजी में वेलकम करता हूं। आज हमने जो डाटा एनालिसिस स्टार्ट की थी उसमें एपिसोड 18 पढ़ेंगे, जो है रिपीटेड मेजर्स एनोवा थ्रू SPSS एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स इन APA 7। इसमें हम जो SPSS की आउटपुट होगी रिपीटेड मेजर्स एनोवा की, उसको इंटरप्रेट करेंगे, APA के अकॉर्डिंगली टेबल बनाएंगे, उसकी फॉर्मेटिंग करेंगे और उसको APA 7 के अकॉर्डिंगली डिस्क्राइब करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। एग्जांपल के तौर पे जो मैंने लिया है उसमें हमारे पास थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स, हमारा जो फैक्टर है वो हमारे पास थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स हैं, यानी कि हमारे पास एक थेरेपी की 3 सेशंस हैं जो हम अप्लाई करेंगे। कंसेक्यूटिव सेशंस हैं 60 एडल्ट्स पे जिनमें डिप्रेशन है और हमने उनका लेवल ऑफ डिप्रेशन को हम बेसिकली डिक्रीज करना चाहते हैं। तो ये फर्स्ट सेशन, फिर उसके बाद हम उनका लेवल ऑफ डिप्रेशन देखेंगे, फिर सेकंड सेशन, फिर हम लेवल ऑफ डिप्रेशन देखेंगे और फिर उसके बाद थर्ड सेशन होगा। और इस तरह 3 कंसेक्यूटिव सेशंस के बाद में हम देखेंगे हर सेशन के बाद कि उनका लेवल ऑफ डिप्रेशन जो है वो डिक्रीज हुआ या डिक्रीज नहीं हुआ। तो हम जो डिप्रेशन के स्कोर्स हैं हमने वो एक स्केल पे, डिप्रेशन के स्केल पे लिए हुए हैं। जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारा जो फैक्टर है वो बेसिकली हमारे थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स हैं, जिसमें हमने जिसके थ्री लेवल्स हैं, थ्री उसमें हमने सेशंस लिए हुए हैं। और जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारा इंटरवल है, जो हमने स्केल पे डिप्रेशन के स्केल से रिलेटेड 3 टाइम्स उनसे डाटा लिया है। तो हम देखते हैं कि क्या सेशंस कंसेक्यूटिव सेशंस के साथ लेवल ऑफ डिप्रेशन डिक्रीज हुआ या डिक्रीज नहीं हुआ। जो रिपीटेड मेजर्स एनोवा है ये उसका पाथ देखें आप, गिवन है यहाँ से एनालाइज जनरल लीनियर मॉडल और रिपीटेड मेजर्स। एनालाइज जनरल लीनियर मॉडल रिपीटेड मेजर्स, ये आप देख सकते हैं। मेन्यू बार पे जाएंगे, एनालाइज पे क्लिक करेंगे, देन क्लिक जनरल लीनियर मॉडल, देन रिपीटेड मेजर्स। जब आप रिपीटेड मेजर्स पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये रिपीटेड मेजर्स आपने एनालाइज यानी लीनियर मॉडल रिपीटेड मेजर्स पे क्लिक किया, ये हमारे सामने रिपीटेड मेजर्स डिफाइन फैक्टर्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। इसमें यहाँ पे आप देखें विद इन सब्जेक्ट फैक्टर नेम, यहाँ पे इसकी बाई डिफॉल्ट लिखा हुआ होता है फैक्टर 1, यहाँ पे नंबर ऑफ लेवल। हमें पता है हमारा फैक्टर क्या था, मैंने आपको पहले बताया हमारे थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स हैं हमारा फैक्टर और उसके 3 लेवल्स हमने 3 सेशन लिए। ये आप देखें यहाँ पे विद इन सब्जेक्ट फैक्टर नेम पे थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स लिखा और नंबर ऑफ लेवल्स पे 3 सेशंस लिखे। जस्ट ऐड करेंगे तो ये जो बॉक्स एम्प्टी है यहाँ पे थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स पे 3 लेवल्स आ जाएगा। ये आप देखें जैसे ही ऐड किया यहाँ पे यहाँ से डिसअपियर हो गया और यहाँ पे थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स विद 3 लेवल्स। उसके बाद हम डिफाइन पे क्लिक करेंगे तो फर्दर एक सब डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये आप देख सकते हैं रिपीटेड मेजर्स पे क्लिक किया तो उसके बाद ये रिपीटेड मेजर्स डिफाइन फैक्टर्स, रिपीटेड मेजर डिफाइन फैक्टर्स और ये विद इन सब्जेक्ट फैक्टर नेम, ये विद इन सब्जेक्ट फैक्टर नेम हमने लिखा क्या था हमारा थेरेप्यूटिक इफेक्ट, नंबर ऑफ लेवल्स उसके थे 3। ऐड किया, जब ऐड किया एंड देन ये हमारे पास सामने अपीयर हो गया। उसके बाद इसको डिफाइन करते हैं तो हमारे पास एक और सब डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये हमने ये ऐड कर दिया था यहाँ से, तो ये इसके बाद इसको डिफाइन किया तो ये हमारे पास रिपीटेड मेजर्स का सब डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। ये आप इसको देखें यहाँ से क्या हुआ, इसमें देखेंगे इसमें अब वो गिवन है ये विद इन सब्जेक्ट वेरिएबल्स थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स, थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स हमारे फैक्टर था जिसमें हमारे पास बेसिकली 3 लेवल्स हैं, 1, 2 एंड 3 जो हमने पहले मेंशन किए थे। तो हमने ये D1 फॉर डिप्रेशन आफ्टर फर्स्ट सेशन, D2 फॉर डिप्रेशन आफ्टर सेकेंड एंड थर्ड। तो हम इसे एक पे क्लिक करेंगे, या हमने फर्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे D1 इंसर्ट कर लिया, फिर सेकंड पे D2, फिर थर्ड पे D3। यहाँ से देखें D4 से शुरू हो रहा है, D1, 2, 3 जो है वो इसमें हमने इंसर्ट कर दिए। तो ये जो क्वेश्चन मार्क्स थे आप देखें वो डिसअपियर हो गए, उनकी जगह पे D1, D2, 3। ये डिप्रेशन के वो 3 टाइम्स स्केल पे स्कोर हैं जो हमने 60 लोगों से हर सेशन के बाद लिए। उसके बाद आप इसका पाथ देख लें, ये आप देख सकते हैं
define and repeated by yes, define पे क्लिक किया, repeated by yes का सब डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। उसके बाद हमने within subject variable therapeutic effect हम इसमें इंसर्ट कर लिए। उसके बाद हम प्लॉट्स पे जाएंगे। अब जब प्लॉट्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये हमने प्लॉट्स पे क्लिक किया तो हमारे पास ये एक सब डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ रिपीटेड में ये प्रोफाइल प्लॉट्स। ये हमारे पास थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स हैं जो कि हमने फैक्टर्स में थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स हैं जिसको हमने हॉरिजेंटल एक्सिस में इंसर्ट करना है। ये आप देखें राइट हेडेड एरो है, जैसे ही आप इसमें इंसर्ट करेंगे ये लेफ्ट हेडेड हो जाएगा। ये आप इसको देखें ये रिपीटेड मेजर्स प्रोफाइल प्लॉट्स, ये थेरेप्यूटिक इफेक्ट, इसको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ये इंसर्ट कर लिया। ये राइट हेडेड एरो जो था लेफ्ट हेडेड हो गया, रिवर्स हो गया। इसको जस्ट ऐड करेंगे तो ये प्लॉट्स का जो बॉक्स है इसमें आ जाएगा थेरेप्यूटिक इफेक्ट, और उसके बाद इसको कंटिन्यू कर देंगे। इसके पास को आप देखें, ये देखें रिपीटेड मेजर्स प्रोफाइल प्लॉट्स, रिपीटेड मेजर प्रोफाइल प्लॉट्स, फैक्टर्स, फैक्टर में थेरेप्यूटिक इफेक्ट थे जिसको हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस में इंसर्ट किया, देन इसको ऐड कर लिया। ऐड किया तो ये हमारे पास प्लॉट्स में आ गए और इसको जस्ट कंटिन्यू कर दिया। और जब इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये डिसअपीयर हो जाएगा। उसके बाद हमने इसमें से पहले प्लॉट्स लिए थे और अब हम इसमें से ऑप्शंस पे जाएंगे। जब ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो एक सब डायलॉग बॉक्स ओपन होगा रिपीटेड में यस ऑप्शंस, जिसमें है फैक्टर्स एंड फैक्टर इंटरेक्शंस। हमारे पास थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स थे जिसको हम डिस्प्ले मीन्स फार में इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे देखें ये कंपेयर मेन इफेक्ट्स को अनचेक है, और ये देखें कॉन्फिडेंस इंटरवल एडजस्टमेंट जो है यहाँ पे इसकी बाई डिफॉल्ट सिलेक्शन जो है LSD नन है, जिसको हम बेसिकली इसको भी चेंज करेंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और एस्टिमेट्स ऑफ इफेक्ट साइज में भी आप देखें ये अनचेक हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया इसमें, ये आप देख सकते हैं क्लियरली कि हमने इसमें क्या किया, थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स को डिस्प्ले मींस फार में इंसर्ट कर लिया, कंपेयर मेन इफेक्ट्स को चेक मार्क किया, यहाँ पे कॉन्फिडेंस इंटरवल एडजस्टमेंट में बाय डिफॉल्ट सेटिंग थी सिलेक्शन थी LSD, हमने LSD की जगह बोन फेरोनी जो है इसको ड्रॉप डाउन एरो से बोन फेरोनी सिलेक्ट किया। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और एस्टिमेट्स ऑफ इफेक्ट साइज अनचेक थे, इन दोनों को चेक मार्क किया। कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद जैसे ही ओके करेंगे तो हमारे पास SPSS की रिपीटेड मेजर एनोवा की आउटपुट आ जाएगी। इसको आप देख सकते हैं ये ऑप्शंस पे क्लिक किया था, ऑप्शंस थे हमारे पास रिपीटेड मेजर ऑप्शंस, रिपीटेड मेजर ऑप्शंस, फैक्टर्स एंड फैक्टर इंस्ट्रक्शंस, ये फैक्टर्स एंड फैक्टर इंटरेक्शंस, डिस्प्ले मींस फार, इसको डिस्प्ले मींस फार में इंसर्ट किया, देन थेरेप्यूटिक इफेक्ट, थेरेप्यूटिक इफेक्ट को डिस्प्ले मींस फार में ले गए। उसके बाद चेक मार्क किया कंपेयर मेन इफेक्ट्स को, ये चेक मार्क किया इसके चेक बॉक्स में। फिर हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल एडजस्टमेंट की, यहाँ से बोन फेरोनी जो है वो हमने सिलेक्ट किया। उसके बाद आप देखें हमने ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और एस्टिमेट्स ऑफ इफेक्ट साइज को भी के चेक बॉक्सेस में चेक मार्क किया यहाँ से, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे और ओके, जैसे ही हम ओके करेंगे तो हमारे पास SPSS की रिपीटेड मेजर्स एनोवा की आउटपुट आ जाएगी। ये मैंने कंप्लीट पाथ यहाँ पे लिया है क्योंकि वो बहुत लेंथी था इसका पाथ, इसलिए वो पार्ट्स में था। तो यहाँ पे मैंने ये एनालाइज से लेकर ओके तक कंप्लीट पाथ मेंशन किया है। जो जो रिपीटेड मेजर्स एनोवा है वो हम इसको प्रैक्टिकली अब करके देखेंगे एक बार कि किस तरह से ये होगा, फिर इसकी आउटपुट को इंटरप्रेट करेंगे। एनालाइज मेन्यू पे क्लिक किया हमने, जनरल लीनियर मॉडल पे गए और ये रिपीटेड मेजर्स पे क्लिक किया। जब रिपीटेड मेजर्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, मैंने पहले मेंशन किया था आपको, जिसका नामनक्लेचर है रिपीटेड मेजर्स डिफाइन फैक्टर्स। आपको पहले मैंने मेंशन किया था कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ होगा फैक्टर्स वन, हमने इसको कर लिया था थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स कर दिया था, और नंबर ऑफ लेवल्स आपको पता है हमने 3 सेट किए थे, ये नंबर ऑफ 3 लेवल्स उसके थे, 3 सेशंस दिए। इसको ऐड करेंगे तो ये यहाँ पे अपीयर होगा थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स विद 3 लेवल्स। डिफाइन पे क्लिक किया तो ये एक सब डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, इसमें आप देखें विद इन सब्जेक्ट वेरिएबल थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स यहाँ पे आ गया, और उसके 3 लेवल्स को हमने अब डिफाइन करना है।
ये देखें, ये हमने डिप्रेशन वन, इसको यहाँ से हमने इंसर्ट किया, फिर D2 पे क्लिक किया, ये डिप्रेशन टू, इसको इंसर्ट किया D3 से, डिप्रेशन थ्री इसको इंसर्ट किया। ये D1, D2, D3 बेसिकली डिप्रेशन के वो थ्री टाइम्स स्केल पे लिए हुए स्कोर्स हैं, जो हमने हर सेशन, पहले सेशन के बाद डिप्रेशन का स्केल 60 लोगों पे एडमिनिस्टर किया, फिर दूसरे सेशन के बाद अभी एडमिनिस्टर किया, फिर तीसरे सेशन के बाद एडमिनिस्टर किया, तो ये थ्री टाइम्स हमने उन पर स्केल एडमिनिस्टर किया है डिप्रेशन का और उस पर स्कोर्स दिए हैं। तो ये हमने इसमें इंसर्ट करने के बाद, इसके बाद प्लॉट्स पे जाना है। प्लॉट्स में एक सब डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, रिपीटेड मेजर्स, प्रोफाइल प्लॉट्स, इसमें सिंपल आपने फैक्टर्स में थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स मेंशन है, इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस में इंसर्ट कर लिया, तो ये देखें ये एरो जो है लेफ्ट हेडेड हो गया। उसके बाद इसको जस्ट ऐड करेंगे तो ये प्लॉट्स में आ जाएगा, ये ऐड कर लिया और इसको कंटिन्यू कर देंगे। फिर हमने ऑप्शंस पे क्लिक करना है, ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स जो हैं इनको डिस्प्ले मीन्स बार इसमें इंसर्ट किया, कंपेयर मेन इफेक्ट्स को चेक मार्क किया। उसके बाद LSD नन, इसकी जो बाई डिफॉल्ट सेक्शन है उसकी बजाय हमने बोन फेरोनी जो है उसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और एस्टीमेट्स ऑफ इफेक्ट साइज, होमोजेनिटी टेस्ट भी अगर आप रन करना चाहें वो भी कर सकते हैं। ये इन दोनों को चेक मार्क किया, चेक मार्क करने के बाद इसको कंटिन्यू किया और जैसे ही इसको ओके करेंगे तो इसकी SPSS की आउटपुट विंडो में इसकी आउटपुट आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी आउटपुट आ गई है हमारे सामने। ये आप देखें जनरल लीनियर मॉडल की ये कंप्लीट आउटपुट है हमारे सामने, ये इसके प्लॉट्स आ गए। अब हम इसकी जो आउटपुट थी, ये हमारे पास इसकी आउटपुट है। इसमें सबसे पहले आप देखते हैं टेस्ट ऑफ स्पेसिफिसिटी। टेस्ट ऑफ स्पेसिफिसिटी अगर सिग्निफिकेंट हो तो हम डिफरेंट इसकी जो है टेबल बनाते हैं, उसमें वैल्यूज डिफरेंट लेते हैं, और अगर नॉन सिग्निफिकेंट हो तो डिफरेंट लेते हैं। आइडियली ये नॉन सिग्निफिकेंट होना चाहिए, टेस्ट ऑफ स्पेसिफिसिटी नॉन सिग्निफिकेंट है। ये आप सिग्निफिकेंस की वैल्यू देखते हैं 0.858, तो ये नॉन सिग्निफिकेंट है। तो आप यहाँ से जब वैल्यूज लेते हैं, ये देखें स्पेसिफिसिटी अज्यूम्ड की लेंगे, और अगर ये नॉन सिग्निफिकेंट होता, अगर ये सिग्निफिकेंट होता तो हम इसको ग्रीन हाउस ये सिर लेते, क्योंकि लेकिन ये क्योंकि सिग्निफिकेंट है, नॉन सिग्निफिकेंट है, इसलिए हमने स्पेसिफिसिटी एज्यूम इसमें से हम लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं, ये इसकी आउटपुट है, और इसकी आउटपुट में ये देखेंगे, ये मैंने मेंशन किया टेस्ट ऑफ स्पेसिफिसिटी जो है वो बेसिकली नॉन सिग्निफिकेंट है। और उसके बाद आप देखें ये गेट्स का प्लॉट दिया हुआ है जो हमें बताता है कि ये देखें फर्स्ट सेशन में इनका ये जो मीन स्कोर थे ये 15 और 16 के अबाउट 15.5, मोर देन 15.5 थे। उसके बाद सेकंड में देखें ये आप आगे 13.5 तक, और थर्ड में देखें कि ये आगे 10 से भी 12 से भी कम हो गए। तो ये फर्स्ट सेशन के बाद थर्ड सेकंड में डिक्लाइन आया डिप्रेशन के स्कोर्स में, सेकंड के बाद थर्ड में डिप्रेशन के स्कोर्स में आप थेरेप्यूटिक इफेक्ट जो आप देख सकते हैं कि उसमें डिक्लाइन आया स्कोर्स में डिप्रेशन। ये यहाँ से हमने मीन लेना है, ये मीन आफ्टर मीन ऑन डिप्रेशन आफ्टर मीन एंड डिविशन डिप्रेशन का आफ्टर फर्स्ट सेशन सेकेंड सेशन एंड थर्ड सेशन। उसके बाद ये देखें यहाँ से हमने, मैंने आपको बताया था कि क्योंकि स्पेसिफिसिटी रिज्यूम्ड है हमारे पास, क्योंकि वो नॉन सिग्निफिकेंट टेस्ट ऑफ स्पेसिफिसिटी नॉन सिग्निफिकेंट था, तो हम ये वाली अपर लो लेंगे। अगर वो सिग्निफिकेंट होता तो ये हम ग्रीन हाउस वाली सेकेंड लो लेते, इसमें बेसिकली थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स में भी और एरर टर्म्स में भी। तो ये हमने देखें यहाँ से ये जो सिग्निफिकेंट, क्योंकि स्पेसिफिसिटी अज्यूम्ड इसलिए कि टेस्ट ऑफ स्पेसिफिसिटी जो था वो नॉन सिग्निफिकेंट था, अगर वो सिग्निफिकेंट होगा तो यहाँ से भी सेकंड लाइन ग्रीन हाउस वाली, यहाँ से भी सेकंड लाइन ग्रीन हाउस की। तो अब आगे देखते हैं कि इससे हम बेसिकली ये हम पेयर वाइज कंपेरिजन है कि फर्स्ट सेशन का सेकेंड से सिग्निफिकेंट डिफरेंस है आप यहाँ से देख सकते हैं, और थर्ड से भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है।
सेकंड सेशन का फर्स्ट से और थर्ड से सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, और थर्ड सेशन का फर्स्ट से और सेकंड से सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हर दो सेशंस हैं उनमें एक सिग्निफिकेंट, हर एक सेशन से जब दूसरे सेशन पे जाते हैं, पहले से दूसरे पे या दूसरे से तीसरे पे या पहले से तीसरे पे, तो हर दो सेशंस में पेयर वाइज कंपैरिजन करें तो बहुत सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आया है उनके डिप्रेशन के स्कोर्स में। ये देखें 15.46 से 13.36 आ गया, 13.36 से 11.66 आ गया। अब इसकी वैल्यूज को ये आप देखें, इसकी जो वैल्यूज हैं ये यहाँ से हमने सिंपल, ये फर्स्ट सेशन है डिप्रेशन ऑन फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन एंड थर्ड सेशन लिखा, ये मीन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन फर्स्ट सेशन, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन सेकंड सेशन एंड थर्ड सेशन, ये डिप्रेशन हमने लिखा हमारे वेरिएबल्स जो था वो। उसके बाद आप देखें ये एफ वैल्यू है, ये उसके साथ ये एफ वैल्यू ली है 175.45 ट्रिपल स्टेरिक, जो उसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो आप देख सकते हैं 0.000 ट्रिपल स्टेरिक मीन पी इज लेस देन 0.001, ये ईटा स्क्वायर की हमने वैल्यू ली है 0.858 0.86, और ये इसका ये आपने देखें ये डी एफ ली है, ये टू है डी एफ और ये यहाँ से 58 डी एफ, ये हमने डी एफ ले ली। और उसके बाद ये जो ब्लू में हाईलाइट किए हुए हैं ये हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन करते हैं। आप देखें टेबल वन शोज मीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड एफ वैल्यू फॉर डिप्रेशन अक्रॉस कंसेक्यूटिव थेरेप्यूटिक सेशंस, रिजल्ट्स इंडिकेटेड सिग्निफिकेंट मीन डिफरेंसेस ऑन डिप्रेशन अक्रॉस थ्री कंडीशंस। एफ ये एफ के बाद इसका डी एफ मेंशन है इज इक्वल टू एफ की वैल्यू 175.45 इज इक्वल टू एम एस सी मीन स्टैंडर्ड एरर, ये हमने यहाँ से लिया हुआ है मीन स्क्वेयर्ड एरर जो है ये हमने मीन स्क्वेयर्ड एरर यहाँ से ली 0.620.62, पी इज इक्वल टू 0.000, ये पी की एक्जैक्ट वैल्यू हम रिपोर्ट किया नोवा में पी 7 में है कि आप एक्जैक्ट वैल्यू रिपोर्ट करें, ये ईटा स्क्वेयर की 0.86 लार्ज इफेक्ट साइज, क्योंकि इसकी वैल्यू 0.8 है तो 0.8 या ग्रेटर दैन 0.8 जो है वो लार्ज इफेक्ट साइज को इंडिकेट करता है। द फाइंडिंग्स रिवील दैट हायर लेवल ऑफ डिप्रेसिव सिम्टम्स आफ्टर फर्स्ट थेरेप्यूटिक सेशन, ये फर्स्ट थेरेप्यूटिक सेशन के बाद आप सेशन के बाद देखें उनका डिप्रेशन था मीन था 15.46 जो कि ग्रेजुअली रिड्यूस हो गया, यानी 15.47 इसको आप कहें, जो कि ग्रेजुअली रिड्यूस हो गया सेकेंड सब्सिक्वेंटली डिक्रीज इन द सेकेंड थेरेप्यूटिक सेशन, ये 15.47 से 13.37 रह गया, और थर्ड थेरेप्यूटिक सेशन पे ये फर्दर डिक्रीज होके 11.67 रह गया। और पेयर वाइज कंपैरिजन का ये आपको बताया था मैंने कि द पेयर वाइज कंपैरिजन इंडिकेटेड दैट देयर आर सिग्निफिकेंट मीन डिफरेंसेस इन ऑल पेयर्स ऑफ स्कोर्स बिटवीन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड थेरेप्यूटिक सेशन। इसको एपीए 7 के अकॉर्डिंगली ये हमारा जो एंड आउटकम होगा वो ये टेबल होगा, जिसमें आप देखें ये टेबल नंबर है जो कि बोल्ड है लेफ्ट लाइन और स्कैन पे पीरियड नहीं होता। उसके बाद टेबल टाइटल है जो टाइटल केस कैपिटलाइजेशन है, ये ईच फर्स्ट वर्ड कैपिटलाइज जिसे कहते हैं, और ये लेफ्ट लाइन है और इन दोनों की डबल लाइन स्पेसिंग है और स्कैन पे भी पीरियड नहीं होता। जो जितने स्टैटिस्टिकल सिंबल्स और एब्रीवेशन होती हैं वो सारी इटैलिक्स में होती हैं, जैसे हमने ये मीन स्टैंडर्ड डेविएशन एफ इन सबको इटैलिसाइज किया है, लेकिन जो ईटा है जो कि ग्रीक लेटर्स हैं वो इटैलिक्स में नहीं होते। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि डबल लाइन स्पेसिंग है, इसकी टेबल की भी डबल लाइन स्पेसिंग है। एपीए 7 के अकॉर्डिंगली आप टेबल की लाइन स्पेसिंग सिंगल 1.5 और डबल कोई सी भी कर सकते हैं जो आपको बेहतर लगे, जो आपको लगे कि वो बेहतर वहाँ पे उसकी फॉर्मेटिंग लग रही है। अगर स्पेस ज़्यादा है तो आप डबल भी कर सकते हैं, और अगर स्पेस कम है तो आप 1.5 या इवन सिंगल लाइन स्पेसिंग भी कर सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट रिपीटेड मेजर्स अनोवा। बहुत सारे हम जो हमारे जो व्यूअर्स हैं, बहुत सारे टेस्ट हम उनकी सजेशंस पे, उनकी रिकमेंडेशंस पे हम, अब क्योंकि हम जो आप लोग हैं, आप लोग बेसिकली हमारी मेजर सोर्स ऑफ मोटिवेशन हैं, जो आप हमें इनक्रेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, हम उसके लिए भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपका जो हमें आप पॉजिटिव जेस्चर देते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स देते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आगे मूव करते हैं। उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।